हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब पीछे देख रहे हैं, देखिए कुछ तो समझ ही गए होंगे, वैसे मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है बाय द वे। और मैं अभी जस्ट उठी हूँ और अभी बज रहे हैं आठ बजने में समथिंग, कुछ 10 मिनट हैं। और टुडे इज माय बर्थडे एंड आई एम सो एक्साइटेड। टुडे आई एम सो हैप्पी बिकॉज लास्ट नाइट मतलब मेरे फ्रेंड्स आए थे घर पे और उन्होंने ही आके डेकोरेशन करी है, पता है आप लोगों को, मतलब उन लोगों ने आके डेकोरेशन करी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरी फैमिली और कल रात को केक वगैरह कट करवाया हमने, ड्रिंक्स वगैरह करी, समथिंग ये सब चीज़ें आपको तो पता ही, बर्थडे पार्टी से क्या क्या होता। सो हमने वही सब किया कल रात को और उसके बाद हम लोग रात को बहुत लेट सोए हैं। मतलब हम लोग सुबह 5 बजे सोने गए हैं और मैं अभी 8 बजे उठ गई हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो हाँ, मैं आप सबको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ। मेरे इस चैनल पे मेरे फर्स्ट व्लॉग है। इससे पहले मेरी एक इंट्रो वीडियो आई थी, तो बस वो मेरे एक व्लॉग था और आज ये मेरा फर्स्ट बना स्टार्ट कर दिया। आज मेरा बर्थडे है तो मैंने सोचा आज फर्स्ट व्लॉग अपने बर्थडे से स्टार्ट किया जाए, शुभ दिन कहते हैं ना, तो आज क्योंकि मेरा सबसे हैप्पीएस्ट डे है तो आज के दिन से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। होप्स आप सभी को पसंद आएगा और मैं आगे क्या क्या होता है मेरे बर्थडे पे मैं आपको सब बताऊंगी, बहुत मजा आएगा। और मैंने बर्थडे की कुछ भी लाइक प्रिपरेशन नहीं करी थी क्योंकि और मैं कल ही गई थी शाम को अपने बर्थडे ड्रेस लेने के लिए और मैं सैलून भी नहीं जा पाई। मैं सोच रही हूँ कि 8 बजे जाके फ्रेश हो जाऊँ, नहा धो लूँ, देन उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ आफ्टर मेकओवर। गाइस, हियर आई एम। एक्चुअली अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ बट हाँ, मैं अभी एक्चुअली मुझे पहले मार्केट जाना है और कुछ सामान लेने हैं बर्थडे पार्टीज के लिए, तो वो सब लेके एंड देन मैं लोकेशन पे पहुंचने के बाद ही वहाँ पे जाके रेडी होंगी। और ये मैंने अभी पैक मतलब पैक किया है, इसमें मेरे कपड़े हैं लाइक पूल पार्टी ड्रेसेस हैं और आफ्टर जब हम पूल से निकल जाएंगे वो, और अदर ड्रेसेस हैं और एक ड्रेसेस मैंने और एक्स्ट्रा डाल दिया अगर किसी को चाहिए हो या समथिंग कुछ भी। और वो मैगी बना के भेजा है भाभी ने, अभी खाना है वो भी खा के उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे सीधा और मैं आपको बताती हूँ उसके रास्ते में मैं क्या क्या करूँगी, बहुत मज़ा आएगा। बस गाइस, हम लोग रेडी हैं जाने के लिए और बस अब मैं गेट पे ताला लगाऊंगी एंड देन उसके बाद फिर हम जाते हैं, ठीक है। मैं गाड़ी में बैठ के आपसे बात करती हूँ। गाइस, मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में। एक्चुअली मुझे हम बोलने के आदत है, मुझे मैं हम बोल रही थी, तो मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और भैया भी लगेज गाड़ी में रख रहे थे टिकी में। हम लोग बस सब लोकेशन पे पहुँचने वाले हैं और सब लोग मिलिए, ये है मेरा छोटा भाई विकास। हेलो मैडम। हेलो करो। हेलो। हम लोग यहाँ पे रुके हैं बस फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए और उसके बाद हम लोग बस 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं वहाँ पर, फिर वहाँ पे पहुँच के आपको लोकेशन दिखाते हैं। बाय। हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन पे और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगा लोकेशन। बस कुछ बोल तो सही। ऑसम। ये हमारा पूल है जहाँ पे आज हम लोग मस्ती करने वाले हैं, ये पूरी लोकेशन है। मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ। अभी सारे फैमिली और दोस्त वगैरह सारे ऑन द वे हैं, वो शाम तक आएंगे। मैं थोड़ा जल्दी आ गई क्योंकि मुझे यहाँ पे अरेंजमेंट्स करनी थी। ये गार्डन है और ये भैया हैं जो हमारी हेल्प करेंगे यहाँ पे। कैसा लगा आपको? मैंने आपको लोकेशन सारी दिखा दी है और बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, भैया ने गाने लगा दिए तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं बस आप रूम में आई हूँ, मैं अब रेडी होंगी। ये मेरा लगेज जैसे मैंने दिखाया था आपको, मैं पैकिंग करके लाई हूँ, तो बस मैं मेकअप वगैरह करके मैं एकदम रेडी होती फिर आपसे मिलती हूँ, दिखाऊंगी, ठीक है।
और बस यार मैं रेडी हो गई हूँ, मैं वेट कर रही हूँ अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का। सो हे गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक और ये मैंने मेकअप खुद किया है। कैसा लग रहा है? सो गाइस, मेरी फैमिली आ चुकी है, चलो आप सबको मैं मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से। ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर वर्षा दीदी, और ये मेरी मम्मा, और ये मेरी भाभी, और ये उनका बेटा नोनू नाम है इसका, नोनू इसे तमिल ही चुके लंगूर से। और नोनू हाय बोलो सबको, हाय बोलो, हाय हाय। नहीं नहीं बोलना उसको, नहीं बोलना। ये मेरा भाई है, इनका नाम चंदन है। हाय करो सबको, हाय करो। ये हमारी मम्मी है और हमारी बहन है, जो सिर्फ यहाँ पर आके पछड़ी हुई है, मतलब लेटी हुई है खाली, बस कुछ नहीं फन कर रही है। यहाँ पे भी आके इनको गप्पे मारने, यहाँ पे भी आके इनको गप्पे मारने हैं, वही वाले गप्पे जो होते हैं ना औरतों वाले, बस वही करने हैं इनको यहाँ पर भी आकर। और कुछ नहीं करना, इन लोगों को फन ही नहीं कर रहे हैं यार, बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ना नाच रहे, ना गा रहे, ना कुछ कर रहे हैं, ना पूल में जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब ऐसे बैठे पड़े हैं। मेरे क्या ही बोलूं अब मैं, बस मिलते हैं थोड़ी देर में। इन्होंने दिया मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी, इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई, कैंडल शैंडल भूख से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो, ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जा। मैंने केक कट कर दिया है और आपको दिखाती हूं। अरे यार वो टेडी चला गया, मेरा क्यूट सा टेडी, मेरे को टेडी ने टेडी गिफ्ट किया है, सोचो टेडी ने टेडी गिफ्ट, और जो टेडी का मालिक है वो ये रहा, वो भी एक टेडी है, वो भी एक टेडी है। तो गाइस क्या, हे गाइस मैं रेडी हो गई हूँ पूल पार्टी के लिए, ये चूर कोशिश करना, ओके okay? चलो दीदी पानी में जाओ, जाने वाले अभी, जल्दी जाओ, जाना पड़ेगा, गो गो इनसाइड, गो इनसाइड, गो इनसाइड, साथ में ये देखो, वहाँ बैठे एंजॉय करते हुए, वहाँ बैठे एंजॉय करते हुए, ये हमारे भाई और उनका बेटा, ये वहाँ बैठे एंजॉय करते हुए, ये दो नमूने हमारे। हाय, कैसा लगा आपको आज? सुपर, मजा आया। थैंक यू।
गली गली से ली हो है इन्विटेशन पापा है ड्राइव कर रहा है। सोचो अभी मेरे को छोड़ेंगे, देन उसके बाद भैया को छोड़ेंगे।
सो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ और ये मेरे कल के सारे गिफ्ट्स हैं। ये आके सारे के सारे सब लेट गए हैं क्योंकि सब थक चुके हैं। इससे सबसे बड़ा टेडी। तो मैं आज का ब्लॉग कल से लेके आज का ब्लॉग मैं आज यहाँ खत्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ सपोर्ट करना। मेरा फर्स्ट व्लॉग है। थैंक यू सो मच।